नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं वो अपना हो जाएगा बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर नंबर जो रहने वाला है 31 रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक प्रकार से हो जाता है और इसे बहुत ही अच्छी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। बस आपको देखना है, सिर्फ अच्छी प्रकार से देखना है कि हाँ कहाँ पर क्या बात कही जा रही है, आपको बिल्कुल सारा की सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जिस किसी को पैट का एग्जाम देना है। ठीक है, पैट का एग्जाम देना है, नेकपाल का एग्जाम देना है, पुलिस का एग्जाम देना है, तो आपको बिल्कुल हमारी साइट पर www.paperhacker.in पर बिल्कुल फ्री आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स, पैट्स के प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारी साइट पर जाके आप बिल्कुल उन्हें लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, इससे पहले 30 हमने क्वेश्चन देख रखे हैं, जो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन संबंधित हो जाता है। तो भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कम से कम दो प्रमुख सुधारकों का संक्षिप्त जीवन परिचय उनकी समीक्षाएं सहित कीजिएगा। ठीक है, शिक्षाओं सहित आप समीक्षाओं सहित कीजिएगा, ये यहां पर क्वेश्चन पूछाएगा। ये बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, सभी को हम देखने वाले हैं, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति संप्रदाय के प्रमुख संतों के विचारों का विवरण कीजिएगा, या फिर भक्ति आंदोलन के में कबीर एवं गुरु नानक के सहयोग का मूल्यांकन कीजिएगा, या फिर कह सकते हैं भक्ति आंदोलन क्या था इसकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें आपको पता है भक्ति आंदोलन आया कब था, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं, सबसे पहले जो उद्भव होता है वो किसका होता है, प्राचीन काल का, किसका, प्राचीन काल। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है भक्ति काल। कौन आता है भाई, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद कौन आता है, भक्ति काल के बाद आता है रीति काल। कौन सा, रीति काल, और रीति काल के बाद कौन आता है, आधुनिक काल आता है। क्या आता है, आधुनिक काल आता है। तो इसको हम देख लेते हैं एक प्रकार से यहां पर जब आए हैं तब। ठीक है, तो बात करते हैं प्राचीन काल जो स्टार्ट होता है 1000 ईस्वी से, कब, 1000 ईस्वी से 1350 तक क्या देखने को मिलता है हमें, प्राचीन काल देखने को मिलता है। वही बात करें 1350 से लेकर 1650, क्या 1350 से लेकर 1650 की ओर हम जब बढ़ते हैं तो इसमें हमें भक्ति काल देखने को मिलता है, और रीति काल जो स्टार्ट होता है वो 1650 से लेकर 1850 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 1850 आपको देखने को मिल जाता है, और जो हमारा आधुनिक काल होता है वो 1850 से लेकर अब तक हो जाता है। ठीक है, 1850 से लेकर अब तक, तो इस प्रकार से हमारा जो जो कह सकते हैं काल विभाजन किया गया है। तो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, भक्ति काल को देखने वाले हैं। भक्ति काल स्टार्ट होता है 1350 से लेकर 1650 तक, आगे भी है आधुनिक काल में। ठीक है, आगे भी है आधुनिक काल में, जिसे आपको देखने को मिला। आधुनिक काल के बाद क्या आता है, भारतेंदु युग आता है, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आता है, छायावाद की बात कौन आता है, प्रगतिवाद आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें रीति सिद्ध काब हो जाता है, रीति फिर आ जाता है। ठीक है, रीति तिब्बिक आता है, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या नई कविता आ जाती है, तो उसको हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज जो देखने वाले हैं वो देखेंगे भक्ति काल के बारे में। तो क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कम से कम दो सुधारकों का संक्षिप्त जीवन परिचय उनकी शिक्षाओं सहित दीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन उत्तर की ओर। ठीक है, या भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भक्ति आंदोलन, ठीक है, हमने भक्ति के बारे में देख लिया कि भक्ति काल कौन सा था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, भक्ति आंदोलन के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर की ओर। तो उत्तर में आपको पता है, जो भक्ति आंदोलन से आपको पता है वो क्या कर देना है, एक बॉक्स बनाकर आपको लिख देना है, उसके बाद थ्योरी का स्टार्ट करने हैं। तो बात करते हैं 12वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा आरंभ किए गए धार्मिक सुधार का नाम ही भक्ति आंदोलन पड़ा। तो यहां तक वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एक बात बताइएगा, जो 12वीं शताब्दी थी उसमें रामानुज के द्वारा आरंभ किए गए धार्मिक जो सुधार था उसका नाम ही क्या पड़ा, आगे जाकर भक्ति आंदोलन पड़ा। तो कह सकते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी या स्थापना किसने की थी, तो वह हो जाते हैं कौन, रामानुज। कौन हो जाते हैं भाई, रामानुज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता को दूर करने और इसमें नवीन चेतना लाने के लिए जो धर्म सुधार का आंदोलन चला वह भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। कुछ विद्वानों का
विचार है कि इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण यह आंदोलन आरंभ हुआ। सूफी संतों ने इसे और प्रोत्साहन दिया। 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा और सारे भारत में फैल गया। इस आंदोलन का उद्देश्य हिंदू मुसलमानों के पार्थक्य जो कड़ियां वगैरह होती हैं उनको ढीला करना था। हिंदी भावनाओं के फलस्वरूप इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो बात करते हैं जो पार्थक्य जो हो जाती है, एक दूसरे का तनाव जो हो जाता है, उनकी कड़ियां जो थी उनको ढीला करना यहां पर उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन की प्रमुख प्रचार निम्नलिखित थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रचार वगैरह हो जाते हैं वो निम्नलिखित प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहला हो जाते हैं रामानंद। कौन? रामानंद। ये उत्तर भारत में हिंदी का मतलब भक्ति आंदोलन का प्रचार करने कहां गए थे? ये गए थे उत्तर भारत में। कहां पर? उत्तर भारत में। जो रामानंद थे वो भक्ति आंदोलन का प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इनका जन्म प्रयाग के कहां पर? जो रामानंद हैं इनका जन्म कहां होता है? प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद। उर्फ नहीं कहेंगे, ठीक है, इसका मतलब इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया है? प्रयागराज रख दिया गया है। इनका जन्म प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे राम के उपासक थे। रामानंद किसके थे? रासे राम और रासे राम के उपासक। ठीक है, अतः इन्होंने राम की भक्ति उपदेश दिया। राम का जो भक्ति उपदेश था वो रामानंद ने दिया था। वे जनभाषा के प्रचार करते थे, अतः प्रत्येक जाति के लोग उनके उपदेशों को ग्रहण करते थे। उन्होंने प्रत्येक जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने 12 मुख्य शिष्य थे। कितने शिष्य थे बेंगे? रामानंद के जो शिष्य हो जाते हैं रासे रामानंद। और रासे, देखो रा इस प्रकार से लिखा जाता है दो की तरह, तो बिल्कुल आपको याद रहेगा 12 थे। ठीक है, तो इनके 12 मुख्य शिष्य थे। इन्होंने एक चर्मकार तथा एक मुसलमान था, उसमें ध्यान रखना, उसमें एक तो नाई हुआ करता था, एक चर्मकार था जो चमार से कहते हैं, ठीक है, और एक कौन हो जाता है? एक मुसलमान था। इनके शिष्यों में बहुरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार कंप्यूटर आपके एग्जाम में पूछाता है, जो पूछाता है रैदास और कबीर के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखना रामानंद। कौन? रामानंद। रैदास और कबीर सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। इन्हीं का ही क्वेश्चन बनता है कि रैदास और कबीर जो हैं वो किसके प्रकार से, इनके गुरु कौन हो जाते हैं? तो ध्यान रखना इनके गुरु जो हो जाते हैं वो जाते हैं रामानंद। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड को देखेंगे। महाप्रभु चैतन्य। कौन? महाप्रभु चैतन्य। भक्ति आंदोलन में सबसे प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु थे। जो सबसे प्रमुख हो जाते हैं, सबसे मुख्य हो जाते हैं, वो कौन हो जाते हैं? चैतन्य हो जाते हैं। इनका जन्म 1485 में बंगाल प्रांत के नदिया नामक जिले में हुआ था। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। उन्होंने भारत का भ्रमण किया। उनका कहना था कि मनुष्य भक्ति किसे ब्राह्मण को, किसे भक्ति से ब्रह्मा को, ब्रह्म होगा ना, हाँ बिल्कुल, भक्ति से ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति और गुरु सेवा पर जोर दिया। उन्होंने अनुनायियों अपने विष्णु का अवतार मानते थे। जो उनके अनुनायी वगैरह हो जाते हैं, महाप्रभु चैतन्य को क्या मानते थे? विष्णु का अवतार मानते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कबीर। कबीर और रैदास के जो कौन हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। कौन आते हैं? रामानंद। बार बार इसे रिपीट करते रहेंगे जो कि आपको भी याद हो जाए। तो बात करते हैं, कबीर रामानंद के शिष्य थे, दे रखा है ना। कबीर कौन थे? रामानंद। और रैदास भी किसके थे? रैदास के गुरु कौन हो जाते हैं? रैदास के भी गुरु कौन होते हैं? रामानंद हो जाते हैं। तो कबीर और रैदास जो होते हैं रामानंद के शिष्य थे। उनका जन्म, जो कबीर दास जी का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 1398 में हुआ था। कब? 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अतः उसने उन्हें काशी के लहर तारा तालाब के पास डाल दिया था। कहां पर? लहर तारा तालाब के पास इन्हें डाल दिया था। इन्हें नीरू नामक बुनकर ने उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। वे हिंदू मुसलमानों में कोई अंतर नहीं समझते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना की। कबीर ने निराकार ब्रह्मा की उपासना पर
अधिक बल दिया, किससे? निराकार जो ब्रह्मा हो जाते हैं उन पर इन्होंने अधिक बल दिया था कि इनकी कोई प्रतिमा नहीं होती। कैसे होते हैं? निराकार होते, इनका कोई आकार नहीं होता। फिर बात करते हैं, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि भाई आप मूर्ति का पूजा मत करो, इनका कोई आकार नहीं होता है। वे राम और रहीम के एक मानते थे, राम और रहीम को क्या करते थे भाई, एक मानते थे। नीर और नीमा इनके क्या हो जाते हैं, माता पिता हो जाते हैं। बात करते हैं अब आगे, और ये कैसे थे, इनकी जो भक्ति धारा थी वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि ये हो जाते हैं। कैसे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि ये हो जाते हैं, ठीक है, कबीर दास। आगे बढ़ते हैं, चौथे हमारे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं गुरु नानक, जो अपने सिख धर्म के प्रथम हो जाते हैं, ठीक है। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक ही हो जाते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में, कब? 1469 में आपका हो जाता है, 1469 ईस्वी में एक खात्री परिवार में लाहौर के निकट तलवंडी नामक गांव में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहां हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, ये बार बार पूछाता है। तो तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो कहां पड़ता है, लाहौर के निकट जाकर पड़ जाता है, ठीक है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता का संदेश दिया, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वे ऊंची ऊंची और जाति पाति, ऊंच नीच और जाति पाति को नहीं मानते थे। वे कर्म पुनर्जागरण, ध्यान रखना, इन्होंने क्या था, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। प्रथम गुरु है तो कौन होंगे, सिख धर्म की स्थापना कौन करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। वे कर्म और पुनर्जन्म और गुरु सेवा में विश्वास करते थे। उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया, उन्होंने मक्का और मदीना की यात्रा की। आपके उपदेश से हिंदू वेदांत और सूफी मत और इस्लाम का स्पष्ट प्रभाव किया था इन्होंने।